ग्रेटर फरीदाबाद के मनुस्मृति स्कूल में बाल दिवस पर साहित्यिक उत्सव पिटारा 2022 का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कहानीकारों ने शिरकत की। इन कलाकारों ने बच्चों को अलग अंदाज में कहानियां सुनाई। कार्यक्रम में विधायक राजेश नागर, फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता, सिद्धार्थ कौल ने भी शिरकत की। इस कार्यक्रम में जर्सी फिल्म के बाल कलाकार रौनित कामरा ने भी शिरकत की थी। बच्चों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में बुक स्टॉल भी लगाए गए थे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक राजेश नागर ने कहा कि स्कूल का प्रयास बेहद सराहनीय है। मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में भी कहानियों और किताबों के प्रति बच्चों में रुचि कायम रखना सराहनीय पहल है। आयोजन आज पिटारा है, इसका नाम हमने पिटारा रखा कि कहानियों का संग्रह। हम ऐसा एक पिटारा खोलें इन बच्चों के सामने ताकि इनको एक कहानियों के वर्ल्ड में लेकर जाएं। उसको ऐसे स्टोरी टेलर्स को बुलाया गया है, ऐसे ऑथर्स को बुलाया गया है ताकि वो अपनी लिखी हुई कहानियां, अपनी लिखी हुई किताबों के बारे में इन बच्चों को बताएं। देखिए, बहुत अच्छी नई पहल है। पहला एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चों को कहानियों के माध्यम से नई नई जानकारियां दी जाती हैं और स्कूल के मैनेजमेंट ने पूरे देश के चुनिंदा लोगों को जो इसमें अपने एक्सपर्ट्स हैं, विशेष रूप से गीता जी जो विशेष रूप से बेंगलोर से आई हैं, बच्चों को उन्होंने अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई हैं। अलग मनोरंजन तरीके से इंटरेस्ट बच्चों में जागा।